हेलो सर, नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो थॉट्स ऑन एजुकेशन इनिशिएटेड बाय कॉलेज दुनिया। टुडे हियर वी हैव प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर आरकेजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। टुडे हियर वी हैव डॉक्टर आरबी सोनी सर विद अस। बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू, आई जस्ट वांट दैट सर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। नमस्कार ऑल ऑफ यू, मैं डॉक्टर आरबी सोनी, प्रिंसिपल आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। मेरा कॉलेज रायबरेली रोड ओमेक सिटी में स्थित है और मेरे कॉलेज की एक सहयोगी संस्था है मणिपाल पब्लिक स्कूल। ओके सर, सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट कीप यू कनेक्टेड इन द एजुकेशन सेक्टर? देखिए, पहले से एक कल्पना थी कि सबको जन्मजात होते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के समय तक सही, लेकिन अब इस समय स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम के लायक सब लोग स्किल्ड होते हैं। जैसे कि मेरी एजुकेशन संस्था है कि आप कैसा भी बालक दीजिए, हम ट्रेनिंग के थ्रू उसको डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो चाहो बना सकते। तो मेरा की फैक्टर है कि समाज कल्याण के लिए जो भी फैक्टर जरूरी हैं, हम उनको ट्रेंड करके एक ऐसा कौशल विकसित करें, ऐसा कौशल विकसित करें जो समाज को हर व्यक्ति अपना अधिकतम योगदान दे सके। उसके लिए सर टीचिंग बेटर है। टीचर एक ऐसा एरिया है ना, समाज का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम ऐसा आदर्श अध्यापक बनाने का प्रयास हमारा रहता है कि वो अगर कोई अपराधी होता है तो एक सीमित मात्रा में अपराध करता है, लेकिन अगर एक शिक्षक ही गलत हो, वो ऐसा बालक का निर्माण, बालक एक पदार्थ को है नहीं, वो किस पीठ के को सीधा कर सकते हैं, वो जैसा उसको ट्रेन कर देंगे, जैसा सांचा ढाल देंगे, सही बात। इस प्रकार से अध्यापक को ऐसा होना चाहिए जो बालक को इस प्रकार से विकसित करे, उस समाज को अपनी अधिकतम क्षमता से अधिकतम समाज के उन्नति में सहयोग दे सके। ओके सर, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स योर लीडरशिप स्टाइल सर? देखिए, लीडरशिप स्टाइल समाज में दो प्रकार के पोस्ट होते हैं, एक क्रिएटिविटी वाली होती है, दूसरी लीडरशिप की होती है। तो बालक में देखते हैं कोई क्रिएटिविटी पोटेंशियल ज्यादा है या लीडरशिप पोटेंशियल ज्यादा है। अगर लीडरशिप पोटेंशियल ज्यादा है तो समाज सेवा में ज्यादा काम कर सकता है, क्रिएटिविटी है तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर के समाज को अच्छी तरीके से सहयोग दे सकता है। तो जो बालक में जो कौशल हो उस कौशल को विकसित करने का उत्तरदायित्व एक अध्यापक पे होता है, कि अध्यापक अपने साधनों के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने आईसीटी के द्वारा इनको विकसित करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट्स द मार्केटिंग प्लान ऑफ कॉलेज? मार्केटिंग सर कैसे करते हैं? देखिए, आजकल मार्केटिंग विद्यालय भी एक ऐसा है, जैसे कि पहले था ये लोग अध्यापक के नाम से जाने जाते थे विद्यालय, लेकिन अब बिल्डिंग के नाम से विद्यालय जाने जाते हैं। लेकिन समय फिर बदलेगा। अब यूट्यूब तो ज्ञान है, लेकिन शिक्षक की भी अपनी भूमिका है, और फिर भी हम सहयोग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं। हमारे कॉलेज का अपना स्वयं का एक यूट्यूब चैनल है, हम लोग इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और फेसबुक पे उपलब्ध हैं, और जो भी ऐसा कुछ ऐप आता है ट्विटर वगैरह पे हम लोग उपलब्ध हैं, और जो भी उसमें क्वेरीज होती है उनको द्रुत गति से प्रदान करने की हमारा प्रयास है। और सर, व्हाट्स योर प्लान फॉर द स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर? हाँ, देखिए, समाज की अभी तक आपने जिससे कि रिजर्वेशन के लोग आश्रम उठाते हैं कि रिजर्वेशन क्यों है, कब तक के लिए, ठीक है, तो दमार में दो प्रकार के होंगे, एक पिछड़े पिछाड़े गए पीछे, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो माइग्रेट किए गए हैं सर्वोत्तम। तो सरकार की आज़ादी के बाद से तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो माइग्रेट है या जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको समाज की मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसलिए हमारे सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ बच्चों को दिलाते हैं ताकि वो भी अपना सामाजिक शैक्षिक उत्थान कर सके और समाज के मुख्य धारा में आए और समाज की सेवा। और जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिन बच्चों के कैसे उनकी प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, देखिए कॉलेज हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उनको हम अपने कॉलेज से डिस्काउंट देते हैं फीस में, और अनेक प्रकार की बुक्स हैं, जो बुक्स नहीं थी मैं बुक्स उनको प्रोवाइड करता हूँ। हमारी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, और हम लोग उनको आर्थिक भी सुविधा देते हैं और शैक्षणिक अनेक प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो कहीं से पिछड़े ना रहे, समाज की मुख्य धारा में, क्योंकि कंपटीशन की महत्ता मैं जानता हूँ और
आर्थिक दिक्कतों को भी समझता हूँ, तो जो अगर मेरे कॉलेज में हमारे संपर्क में कोई आता है तो आर्थिक प्रॉब्लम उसको हम ध्यान देते हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं उसको उपलब्ध कराते हैं, फीस भी जमा करने में अगर अक्षम है तो इंस्टॉलमेंट की सुविधा देते हैं, उसकी तरफ से फीस लाते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज को हम उसको ऋण भी उपलब्ध दे करते हैं ताकि अपनी फीस और अपनी जरूरत की संबंधी चीजों को पूरा कर सके। नहीं सर, फीस के अभाव में कोई बच्चा रहे ना जैसे? हाँ, फीस के अभाव में कोई पढ़ने से वंचित ना रहे, और जो सरकार की योजनाएं हैं या सरकार के जो नियम है उन कारणों को डाल। और सर, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कहना चाहेंगे? जो कमिंग स्टूडेंट है मैं उनका स्वागत करता हूँ, मेरे कॉलेज में आएंगे तो जो भी उनमें प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारेंगे। हमारा कॉलेज एक वास्ट प्लेग्राउंड है, नेचुरल प्लेग्राउंड है, भीड़ भाड़ शोरगुल से अलग है, और यहाँ तक कि जितनी भी प्राकृतिक सुविधाएं हैं उनका आनंद मिलेगा, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सुविधाएं है, हमारे यहाँ रिच ICT लैब है उसका लाभ मिलेगा, रिच लाइब्रेरी है उसका लाभ मिलेगा, हमारे सारे टीचर्स अप्रूव फैकल्टी हैं और अपने आप में बहुत योग्य, उनसे आप मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ हम बालक समझेगा मैं कितना योग्य हूँ, हमारे टीचर कितने योग्य हैं और यू ग्रुप कितना क्या बता रहा है, उनको हर तरफ से उनको संबंधित का प्रयास करें। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर।